Hello students, I am going to teach you the topic the sound of music of class 9 in part 2 and listen to me paragraph number 3. As a 5-year-old Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumra in Bihar. 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्ला खान गिली डंडा खेलता था जो पुराना बिहार में डुमरा राज था उस राज के नदी के किनारे तालाब के किनारे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. और फिर वो बराबर जो है वो बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे और वहाँ जो भोजपुरी जो है वो चैता होता था हरे रामा हरे कृष्णा तो उस पर जो है वो भाग लेते थे और फिर अंत में जो है वो उसे 1.25 kg का लड्डू जो है वो वहाँ का लोकल जो महाराजा था उनके द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न. कहता ये सारी घटना जो है वो 80 वर्ष पहले हुई थी. 80 वर्ष जिस वक्त वो किताब लिखा गया था आज तो ज़्यादा हो गया है. तो उसमें वो छोटा सा बालक जो है वो वहाँ से उसका सफ़र रहा और आज जो है वो भारत का जो है वो नागरिक के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न उसे भी वो हासिल कर चुके. पैराग्राफ नंबर 4. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. कहता बिस्मिल्ला खान का जन्म जो है वो 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था और बिस्मिल्ला खान जो है वो बिहार में जो है वो जो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन घराना था वहाँ वे पैदा हुए थे यानी तालुकात था. हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उसकी जो दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान वह सहनाई वादक थे और वो भोजपुर में जो राजा था उसके दरबार में वो बजाया करते थे. हिज फादर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर. उसके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े जो है वो सहनाई वादक थे. उनका नाम था वो पैगंबर बख्श यानी उसके पूरा जो वो एंसेस्टर्स जो थे वे सब क्या थे वे सहनाई वादक ही थे. द यंग बॉय टूक ए म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. अब वो छोटा सा बच्चा जो है वो अपने जीवन में छोटे से ही जो वो शुरू कर दिया. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस ना वाराणसी बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द सेनाई. कहता जब उसकी उम्र 3 वर्ष का था उस वक्त उसकी मम्मी जो है उसे उसके मामा घर ले गया जो कि बनारस में था अभी वो वाराणसी कहलाता है. तो वहाँ वो अपने मामा को जो है वो सहनाई बजाते हुए जो वो देख रहे थे. सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड एक्टिंग हिज अंकल अली बख्श एंड टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज इम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई. अब बहुत जल्द जो है वो बिस्मिल्ला खान जो है वो अपने मामा के साथ हो गए. उनका मामा का नाम हो गया अली बख्श जो कि बनारस का जो है वो विष्णु मंदिर में जो है वो उसे इम्प्लॉय के तौर पे रखा गया था जहाँ वो सहनाई जो है वो बजाया करते थे. अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इन. अब उसके मामा जो अली बख्श थे वे सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्ला जो है वो अंत तक उसके साथ जो वो बैठे रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और फिर धीरे धीरे जो है वो क्या गया उसका वह उसका इंटरेस्ट जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति बढ़ गया और वो प्रैक्टिस करने लगा और वो घंटों जो है वो या दिन भर जो वो प्रैक्टिस करता रहता था. 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग
अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब क्या हुआ, कहता है कि वर्षों तक वह जो बालाजी का मंदिर था, जो मंगला मैया का मंदिर था, वो वहाँ प्रैक्टिस करता रहा, बजाता रहा। और गंगा नदी जो है वो के किनारे पे वो जहाँ वो एकांत होता था, उसी एकांत में जो है वो अपना प्रैक्टिस जो है वो जारी रखा। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सेनाई। फिर जो गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी था, जो कलकल छलछल की जो आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ से वे काफ़ी इंस्पायर हुए और उन्हीं आवाज़ को ले करके जो वो उन्होंने सहनाई में जो वो राग जो है वो राग का खोज किए वो, और उसी समय से जो वो सहनाई में जो वो जो स्तर रहा, उसका जो रेंज रहा, उसको जो वो उस लेवल में जो वो विचार करने लगा। तो ये आज मैं इतना ही जो वो पढ़ाता हूँ। ये 5 पैराग्राफ ख़त्म हो गया है, और इसको सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जो वो अपना नाम और रोल नंबर अवश्य दें, ताकि पता चल सके कौन बच्चा पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा है, कौन देखा कौन नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच।